ये जो भी आप आवाज़ सुन रहे थे, ये बेंगलोर में हुए कल धमाके की आवाज़ है। लोग बहुत डरे हुए थे, पतला कोरोना बवाल चल ही रहा है, इम्फॉल एक नया बवाल आया, एक नया और क्या आ गया। बाद में एयरफोर्स ने पुष्टि की, कंफर्म किया, ये कुछ नहीं है, उनके रूटीन एक्सरसाइज का पार्ट है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी एक्सरसाइज थी जिससे इतना बड़ा भयानक सा धमाका हुआ, और इसकी फिजिक्स समझते हैं। अगर कोई सोर्स रेस्ट पर हो, मतलब चल ना रहा हो, तो उसके वजह से जो साउंड वेव जनरेट होती है वो मीडियम में ऐसे प्रोपोगेट करती है जैसे तालाब में आप पत्थर फेंको तो वो वेव प्रोपोगेट करती है सर्किल में, वैसे ही वेव प्रोपोगेट करती है। और दो कॉन्जिगेटिव वेव्स के बीच में या वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। वो फिक्स रहती है, वो कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अगर ये साउंड सोर्स मूव करने लग जाए तो क्या होगा? अगर ये साउंड सोर्स मूव करने लग जाएगा तो जो वेवलेंथ रिसीव होगी वो डिफरेंट होगी। पहला केस हम लेते हैं जिसमें साउंड सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम है। अगर ये ऐसी सिचुएशन में है और ये जो साउंड सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर ये साउंड सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। कैसे? डॉपलर इफेक्ट से। अगर मान लो साउंड सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो गया तो सारी वेवफ्रंट एक जगह पे मिलती हुई नजर आएंगी। और जैसे ही अगर मान लो ऑब्जर्वर जो है साउंड सोर्स की लाइन में आता है, जैसे ही दोनों क्रॉस करेंगे, कौन? साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर, उस समय एक बहुत बड़ा सा बैंग सुनाई पड़ेगा, बहुत ज्यादा बूम सुनाई पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग साउंड सुनाई पड़ेगी। ऐसे असली खेल तो अब शुरू होगा। कब? जब आप साउंड की वेलोसिटी ज्यादा चलने लग जाओ सुपरसोनिक। क्या होगा? जैसे मान लो आप साउंड की वेलोसिटी ज्यादा तेज चलो तो आपकी मम्मी अगर आपको आवाज दें तो आपको आपको मम्मी की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी ने कहा बेटा, तो बेटा पता चला साउंड की वेलोसिटी चल रहा है, और बेटा जो है एक्चुअली बेटा है वो साउंड की वेलोसिटी से भी ज्यादा तेज चल रहा है। तो बेटा वर्ड जो है साउंड की वेलोसिटी चल रहा है, और बेटा जो है साउंड की वेलोसिटी से तेज चल रहा है, तो पता चला बेटा आगे आगे जा रहे हैं, साउंड पीछे पीछे आ रहा है, सुनाई कभी नहीं पड़ेगा। यही कुछ होता है सुपरसोनिक प्लेन में। सुपरसोनिक प्लेन क्या होते हैं? साउंड की वेलोसिटी से तेज चलते हैं। अब इन्हीं को बोलते हैं मैक 1, मैक 2, मैक 3 स्पीड। अगर आप साउंड की वेलोसिटी जितना फोल्ड ज्यादा चलते हो उतनी ज्यादा उतनी मैक स्पीड होती है आपकी। अगर आपकी स्पीड मैक 3 है, इसका मतलब आप साउंड की वेलोसिटी से 3 फोल्ड तेज चल रहे हैं। यही कुछ उस दिन बैंगलोर में हुआ। क्या हुआ बैंगलोर में वो जानते हैं। तो मीडियम में अगर कोई सुपरसोनिक सोर्स ट्रेवल करता है तो सोर्स आगे चला जाता है, उसके वजह से जो वेव फ्रंट है वो पीछे रह जाती है, और वो वेव फ्रंट मीडियम में पाइल अप होती रहती है। 3D में देखो तो एक कॉनिकल सर्फेस बना लेते हैं। जो कॉनिकल सर्फेस बना, यहां पे ये सारी वेव फ्रंट मिल रही हैं और यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये जो वेव फ्रंट है ये जब कभी रिसीव होता है, जहां कहीं रिसीव होता है तो हम बोलते हैं शॉक वेव रिसीव हुआ। और ये जो शॉक वेव रिसीव होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आता है। जब ये रिसीव होता है तो बहुत बड़ा साउंड सुनाई पड़ता है, बहुत बूम साउंड सुनाई पड़ता है। तो यही कुछ हुआ उस दिन बैंगलोर में। एक साउंड सोर्स जो हो सकता है सब सुपरसोनिक स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड में जा रहा हो या उसका उल्टा कर रहा हो, उसके वजह से क्या हुआ? शॉक वेव प्रोड्यूस हुई, और वो जब मीडियम में फैली, जहां तक गई, वहां पर एक लाउड साउंड सुनाई पड़ा, बहुत तेज साउंड सुनाई पड़ा। यही वो आवाज थी। तो मेरे ख्याल से अभी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। क्या था, कैसे था, ये एक्चुअली एयरफोर्स की रूटीन एक्सरसाइज के वजह से ही हुआ। ऐसा नहीं है शॉक वेव केवल प्लेन से ही प्रोड्यूस होगा हमेशा। हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने बॉडी पार्ट को ऐसा मूव कराते हैं, ऐसा मतलब साउंड की स्पीड से तेज मूव कराते हैं, उनसे शॉक वेव प्रोड्यूस होता है और वो अपने ऊपर होने वाले अटैक को पहले ही रोक देते हैं। चाबुक उसको लो और उसको ऐसे हिलाओ, इतना तेज हिलाओ कि वो साउंड की स्पीड से तेज हिले, तो उससे वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी एक शॉक वेव ही प्रोड्यूस होगा, उसकी भी आवाज़ एक अजीब सी आएगी। हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले से ही हैं, जिनको अब हम देख के शॉक हो जाते हैं, जैसे ये शॉक वेव। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस चैनल को देखते रहें।